उज्जैन के मक्सी रोड की एक कॉलोनी से चोर ने चार मकानों में चोरी की है। गिलोलधारी बदमाशों के पूरी करतूत कैमरे में कैद हुई है। उज्जैन के चिमनगंज थाना मंडी क्षेत्र में शनिवार रविवार की रात्रि को एक ही कॉलोनी में चार जगह चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें चोर लाखों का माल ले उड़े। मक्सी रोड स्थित कैलाश एम्पायर में एक साथ चार सोने मकानों को चोरों ने अपनी घटना के लिए चुना। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दिखाई दे रहे चोर आसानी से सड़क पर खड़े होकर रेकी करते हैं। इस दौरान कुछ कुत्तों के भोंकते ही चोर गिलोय से हमला कर देते हैं। इसके बाद एक घर में बदमाशों ने बाउंड्री वॉल पर चढ़कर सीसीटीवी कैमरे की दिशा भी बदल दी, ताकि वे उसमें कैद न हो सके। ठंड में यह चोर कंबल किंग के नाम से जाने जाते हैं, तो बारिश में रेनकोट पहनकर आते हैं और गर्मी में चड्डी बनियान के गैंग के रूप में दिखाई देते हैं। उज्जैन कैलाश एम्पायर कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक भगवान सिंह के घर से 1.5 तोला सोना, झुमकी, मंगलसूत्र, 500 ग्राम चांदी, 15,000 नकद और अन्य कीमती सामान ले गए हैं। इसी कॉलोनी के शंकर उपाध्याय के घर से 11 ग्राम की झुमकी, 12 ग्राम का मंगलसूत्र और 250 ग्राम चांदी, 40,000 का लैपटॉप और पवन पाटीदार के घर से 7,000 नकद, महावीर साहू के घर से अन्य सामान चोरी किया गया है। उज्जैन में इससे पहले भी कई बार चोरी की वारदात हुई है और उनके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, लेकिन कैलाश एम्पायर में हुई चोरी ने चोरों की में पहली बार गिलोई दिखाई दे रही है, जो कि कुत्ते को भगाने में काम दी जा रही है।